चुपचाप आंख मूंद करके सो जा। हम चले अपनी तिजोरी के पास। आपने कुछ सुना? बड़ी अम्मा की चाबियों की आवाज। लेकिन बड़की अम्मा सो रही, तो चाबी की आवाज कहां से आएगी? कुछ गड़बड़े लाखन ठाकुर, क्योंकि बड़ी अम्मा अपनी चाबियां किसी को नहीं देती। हमें पता लगाना होगा। कहां जा रही हो? कोई नहीं है यहां। चलो। एक मिनट। कोई नहीं है ना वहां पे? अरे तुम्हारा भरम है ही। चलो रात हो गई है, सो जाओ। ऐसा कैसे हो सकता? अभी हमने यहां को छिलते हुए देखा। पाल पाल बचे आज। ऐसा कहा है उनका जाकर? हमारी किस्मत की चाबी। बस ये समझ लो भानु, ये जो ठाकुरों की बर्बादी की इमारत है ना, ये कागज उसकी आखिरी ईंट है। हो ना हो, बिंदिया की नजर घर और जमीन के कागजों पर है। इसके पहले कि ये उन तक पहुंचे, हमें कुछ करना होगा। इससे पहले कि बिंदिया हमारे परिवार की आखिरी उम्मीद को भी तबाह कर दे, हमको वो कागजात हवेली के बाहर किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचाने होंगे। कागज भैया नहीं है क्या? दादी यही होंगे, जाएंगे कहाँ? आपने और कहीं रख दिए क्या कागज? यही रखे थे? हाँ यही रखे थे, पर अब नहीं है। जब हमारे तुम्हारे सिवा किसी ने तिजोरी को छुआ तक नहीं, तो कागजों को पैर आ गए जो अपने आप गायब हो गए। नहीं पता इसके बारे में। एक मिनट, तुमने एक पल के लिए भी इन चाबियों को अपने से अलग किया था? नहीं दादी, जितना हमें याद है यही यही जेब में रखे थे बस। यहाँ हमारे पूरे परिवार का भविष्य खतरे में है। अब समझ में आया कि फूलन ने प्रियों को बाहुबली क्यों बनाया था। कैसे हुआ ऐसे? बोलो मिथिलेश, बोलो तुम। भंग धतूरे का नशा किया था क्या तुमने? बोलो बोलो मिथिलेश, बोलो जल्दी। छोटी नानी, हमको मालूम नहीं था कि घर आए मेहमान के साथ इस सुलूक होता है इस घर में। ये हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे और हमको नहीं पता कि कौन से कागज की बात कर रहे हैं। हमको नहीं मालूम है कागज कहाँ है। नहीं पता ना तुम्हें तो जी के क्या करोगी तुम? सबूत है हमारे पास कि पेपर्स कोमल ने चुराए? ये है ना पूनम। मिथिलेश जाओ यहां से और पता लगाओ कि वो कागज है कहां। जानती नहीं है दादी कि ये। जाओ यहां से। कागजात भी किसी ने चुरा लिए, न हो इसमें भी बिंदिया का ही हाथ है। अब क्या होगा बड़ी अम्मा? पर ले आए।
ठाकुर परिवार के दुश्मनों का अंत। यम्मा ये तो जहर है, इसका क्या करेंगे आप? सांप और बिच्छू के काटे का इलाज भी यही है, और बिंदिया जैसे आस्तीन के सांप से छुटकारा पाने का तोड़ भी यही। यम्मा आप ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? हमको माफ करना प्रियो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें ये करना ही पड़ेगा। हम रोज रोज अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते।